अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं बनाने लगी हूँ बारबेक्यू चिकन टिक्का बिरयानी। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है चिकन क्यूब्स, चिकन ब्रेस्ट के क्यूब्स बनवा लिए थे, इतने इतने पीसेस इसके ये लिया है मैंने चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स में। इसको मसाला लगाने के लिए, जो टिक्का मसाला हम बनाएंगे इसका, इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे योगर्ट, कसूरी मेथी, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, सफ़ेद नमक, ये है मेरे पास रेड चिल्ली, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, कोयला चाहिए होगा बारबेक्यू के लिए। इसके लिए ये योगर्ट जाएगी इसके अंदर। मैं रेड और येलो कलर दोनों इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी, इसमें भी और बिरयानी की जो फाइनल हम जब इसको दम लगाएंगे चावल के ऊपर डालने के लिए, तब भी मैं ये दोनों कलर यूज़ करूँगी मिक्स करके। मैं मिक्स इसके अंदर साबुत गरम मसाला नहीं यूज़ कर रही हूँ बिरयानी में, मैं पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करूँगी। इधर आ जाते हैं, ये है मेरे पास इसका मसाला बनाने के लिए, बिरयानी का जो हम मसाला बनाएंगे, ये टिक्के के लिए था जो कि चिकन के अंदर जाएगा ये सारा मसाला। ये जो मसाला है ये जाएगा इसके मसाले के लिए जो हम बिरयानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, गरम मसाला, ज़ीरा, सुर्ख मिर्च, धनिया पाउडर है, हल्दी है, नमक है, जायफल जावित्री है, बादियान का फूल है, और ये ग्रीन कार्डिमम है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्याज ब्राउन करके रख ली है इस तरह से, ये गार्निशिंग में भी जाएगी और इसके मेन मसाले में जाएगी। योगर्ट डालेंगे हम इसके अंदर, टमाटर जाएंगे, मिंट जाएगा, पुदीना, ग्रीन चिलीज मैंने ली है अपने टेस्ट के मुताबिक, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हरा धनिया लिया है, लेमन जूस जाएगा, ऑयल जाएगा इसको बनाने के लिए। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे बॉईल किए हुए राइस हैं, जिनको मैंने ज़ीरा डाल के, हरी इलायची डाल के, नमक के साथ इसको मैंने बॉईल किया था, और थोड़ी इसके अंदर कसर है चावल, एक कनी के चावल मैंने इसके अंदर छोड़े हैं, बाकी हम इसको मेन बिरयानी में हम इसको कुक करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टिक्के का मसाला जो है चिकन के ऊपर लगा देते हैं, इसको कुछ देर के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा इसके अंदर से जाएगा बिरयानी में और आधा इसके अंदर जाएगा चिकन टिक्का के मसाले में। फूड कलर डाल देंगे रेड एंड येलो बोथ, दोनों फूड कलर चलेगा इसके अंदर, योगर्ट चली जाएगी, ये सारे ड्राई मसाले ये चले जाएंगे इसके अंदर। लेमन जूस डालेंगे, थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूंगी मसाले की बाइंडिंग के लिए। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि मैं जब टिक्के वगैरह का मसाला लगाती हूँ तो मैं साथ ऑयल ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे ज़रा मसाला अच्छी तरह से गोश्त या चिकन पर लग जाता है, मसाला जल्दी उतरता नहीं है। अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स कर लें और इसको लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें। नमक का आपने इस पे ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने नमक ऑलरेडी जब राइस को बॉईल किया है उसमें भी डाला है, टिक्के के अंदर भी जाएगा नमक, और जो इसका हम मसाला बनाएंगे बिरयानी का उसके अंदर भी सॉल्ट डालेंगे। तो नमक आप टेस्ट के मुताबिक उसमें डालिएगा। चिकन मेरा मैरिनेट हो रहा है, इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी ढक के। उसके साथ ही दूसरी तरफ हम बाकी चीज़ों की तैयारी शुरू करते हैं। स्टोव कर लेते हैं ऑन, पैन ले लेते हैं, इसमें ऐड कर लेंगे ऑयल, ये मैं वही और यूज़ कर रही हूँ जो जिसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन करके डाला था। इसके अंदर प्याज डाल देंगे,
इसका हम बनाने लगे हैं मसाला बिरयानी का, और थोड़ी सी मैं प्याज रखूँगी गार्निशिंग के लिए, कि मैंने प्याज बचाई है गार्निशिंग के लिए। फ्लेम कर देंगे मीडियम पे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगे, ये सारे मसाले। मिक्स करेंगे इसको, योगर्ट चली जाएगी इसके अंदर। एक टमाटर मैंने आपको दिखाया था, इसको भी काट के डाल देंगे। इसका अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले में भूनते वक्त साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी हरा धनिया, जो मैंने आपको दिखाया था उसमें से आधा हरा धनिया इसमें जाएगा और आधा ऊपर गार्निशिंग में जाएगा, और मिर्च जाएगा अभी इसके अंदर, और हाफ मिर्च जाएगा इसकी गार्निशिंग के लिए। अच्छी तरह से इसके मसाले की भुनाई कर लेंगे। मसाला जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका हुआ है, भुन चुका हुआ मसाला। इसको एक तरफ कर देंगे, स्टोव कर देंगे बंद, इसको ढक लेते हैं। फिर एक और पैन ले लेते हैं, मैंने ग्रिल पैन लिया है, थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं ऑयल। टिक्का हमारा मैरिनेट हो चुका है, इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे टिक्के को। मीडियम फ्लेम में टिक्के को बना लेंगे। इसमें आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऑयल टिक्के में भी डाला था, तो इसको हमने मसाला लगाया था, और थोड़ा सा ऑयल मैंने अभी ऐड किया, तो इसका सारा मसाला सबको ड्राई कर लेंगे। अभी 2-3 मिनट के बाद इसके अंदर से अच्छा खासा पानी निकलेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर योगर्ट डाली थी, इसको सबको हमने ड्राई कर लेना है। देखिए टिक्के में से पानी निकलना शुरू हो गया है, अब इस सारे पानी को हमें ड्राई करना है। इसका जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ है, इसके लिए मैं दूसरी साइड पे कोयला गरम करूंगी,
टिक्का तकरीबन 10 से 20 मिनट में अच्छा सा तैयार हो गया है। अब इसका स्टोव कर देंगे बंद। दूसरी तरफ स्टोव ऑन करके मैं कोयला गर्म कर लूँगी। इसको बिल्कुल मैंने ड्राई कर लिया है टिक्के को। उसके बाद कोयला जब गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको सेंटर में रख के कवर करके, कोयला जो है गर्म हो चुका हुआ है, अब सेंटर में मैं रखूंगी इसके ब्रेड स्लाइस, इसके ऊपर रखेंगे कोयला, ये रख देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और इसको कर देंगे बंद। 2 मिनट दे देंगे इसको, अच्छे से इसके अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। जब तक इसके अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर डेवलप हो रहा है, जब तक इसके मेन मसाला जो हमने बना के रखा था इसके नीचे कर लेंगे स्टोव ऑन। इसमें कुछ थोड़ा सा मसाला मैं इसमें से निकाल लूंगी दूसरी प्लेट में, क्योंकि हम इसकी जब लेयरिंग करेंगे तो हमें ये मसाला इसके लिए चाहिए होगा सेंटर में डालने के लिए। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको रख लें इसके पैन को। मैं इसके ऊपर चावल डालूंगी जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे थे, 1 कनी के चावल मैंने ये छोड़े थे। चावल की मैंने एक लेयर लगा ली है, फर्स्ट लेयर। दूसरी तरफ हमारा ये टिक्का भी रेडी हो चुका हुआ है, इसको मैं कर दूंगी डिस्कार्ड। कोयले को ब्रेड स्लाइस निकाल देंगे। अब मैं इसके अंदर इस लेयर के ऊपर एक लेयर लगाऊंगी टिक्के की। ये लगा दी हमने। थोड़ी सी ब्राउन की हुई प्याज जो मैंने बचा के रखी थी उसकी एक लेयर दे देंगे। स्टोव नीचे से ऑन है, बिल्कुल लो से भी कम है इसको, क्योंकि हमें इसको दम लगाना है। एक चीज जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई नहीं थी, ये है मेरे पास थोड़ा सा मिल्क जो मैंने 2 टेबलस्पून लिया है और इसके अंदर मैंने डाला है केवरा वाटर, जिसके अंदर मैं मिक्स करके कलर डालूंगी और फिर मैं इसके ऊपर चावल के ऊपर डाल दूंगी। तो अब इसकी लेयरिंग करते हैं बाकी की। इसके ऊपर धनिया पुदीने की एक लेयर डाल देंगे, जो धनिया पुदीना हमने बचा के रखा था। अब इसके ऊपर जाएगी एक और लेयर चावल की। ये डाल देंगे। टिक्का डाल देंगे इसके अंदर। इसको फैला लेंगे मसाला जो मैंने निकाला था इसके अंदर से, इसको भी फैला लेंगे। चला गया धनिया पुदीना ग्रीन चिलीस, ये डाल दी। ये प्याज डाल दूंगी, ब्राउन की हुई प्याज की लेयर एक और। सबसे लास्ट में सारी लेयरिंग हमने कर ली, केवड़ा वाटर और मिल्क जो मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर अब मैं ऐड करूंगी रेड कलर एंड येलो कलर, साथ ही दोनों मिक्स कर देंगे और फिर इसके ऊपर मिक्स करके डाल देंगे। दूध के साथ इसको मिक्स करने से होता ये है कि कलर जो है वो अच्छा सा मिक्स हो जाता है। मिक्स कर दिया मैंने केवड़ा वाटर के अंदर, मैं इसके अंदर ये इस तरह से डाल दूंगी। कलर डालने के बाद इसको कर देंगे हम बंद, ढक देंगे इसको
फ्लेम ऑलरेडी बिल्कुल लो से भी कम है, तो इसको दम पे रख देंगे फॉर अबाउट 10 to 11 minutes. उसके बाद हम इसको चेक करते हैं. इसको चेक कर लेते हैं. चावल हमारे जबरदस्त तैयार हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप. मैं इसको सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ. बारबेक्यू चिकन टिक्का बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी हुई है. स्टोव कर देते हैं बंद. बारबेक्यू चिकन टिक्का बिरयानी को मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिया है. जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हुई है. आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वेबसाइट को विजिट करें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on huge videos portal website www.videosizzler.com.